आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। लापरवाही या हादसा, पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्रीराम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। देखिए, एक धार्मिक भावना ये है और तमाम यहाँ झारखंडी मंदिर बहुत बड़े मंदिरों में शुमार हैं हमारे इस क्षेत्र के, और बड़े मान्यता प्राप्त मंदिर है। तो यहाँ जो भी धार्मिक लोग हैं उनका ये मानना है कि माता जी की मूर्ति को छुआ गया, जिसके नाते इस तरह का घटना हुआ। गोरखपुर जनपद के कैंट थाना क्षेत्र स्थित महादेव झारखंडी मंदिर परिसर में एक निर्माण कार्य के दौरान बगल की दीवार अचानक ढह जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अन्य मजदूर घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि मंदिर परिसर के बीचों बीच एक पिलर उठाने के लिए तकरीबन 4x4 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा था, लेकिन वहां कोई टेक्निकल बंदा मौजूद नहीं था। किसके इशारे पर पिलर का निर्माण हो रहा था यह भी नहीं बताया जा सका। घटनास्थल पर मौजूद मंदिर के पुजारी शंभू गिरी ने बताया कि घटनास्थल पर पहले से एक दीवार के सहारे काली मूर्ति स्थापित थी, उसे हटाया जाना था और वहीं एक पिलर खड़ा करना था। मुख्य पुजारी हैं शंभू गिरी गोसाई। शंभू गिरी जी, ये वहाँ घटनास्थल पे जो दिखाई दे रहा निर्माण कार्य को चल रहा था, कब से चल रहा था ये निर्माण कार्य? वहाँ तो जो है कल से शुरू हुआ है जी। तो वहाँ जो मूर्ति थी उसको हटा करके वहाँ पिलर लगना था। अच्छा। तो वही जो है लेबर दो काम कर रहे थे और आज करीब 12:30 बजे घटना घटी है जी। वो नीचे सब बराबर करके गड्ढा खुदाई कर रहे थे और दलक जाने की वजह से उनको भी ख्याल नहीं आया, दीवार अचानक गिर गई। दीवार पर मार्बल वगैरह लगा हुआ है जो गिरी है। हाँ, अचानक गिर गई है। मूर्ति कब हटाएंगे? वहाँ कोई मूर्ति थी क्या पहले? काली जी की मूर्ति थी वहाँ पर। उसको कब हटाया गया था? उसको कल हटाया गया था। अच्छा। वो गड्ढा खुदाई करने के लिए, क्योंकि छत जो है सपोर्टिंग के लिए कमजोर पड़ रहा था, तो वहाँ पाया लगवाने के लिए खुदाई लगाने के लिए। हाँ। इस दुर्घटना में 45 वर्षीय स्थानीय शिवपुर निवासी मजदूर छोटेलाल पासवान की दीवार ढहने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब परिवार वालों को इस बात की जानकारी हुई तो पूरा जवार उमड़ पड़ा। कुछ लोग इस निर्माण को ही अमंगल कार्य बता रहे थे। झारखंडी मंदिर जागता मंदिर है, यहाँ पे कोई भी काम बिना पूजा पाठ के नहीं किया जाता है। अब जहाँ मूर्ति रखी थी उसके नीचे काम हो रहा था, अचानक मूर्ति ढह गया, जिससे ये आकस्मिक घटना घटी। उनका कहना था कि जब भी किसी मूर्ति को हटाया जाता है तो उसके पहले वहाँ पूजा पाठ होनी चाहिए। तो दूसरा पक्ष यह भी है कि कोई तकनीकी रूप से दक्ष इंजीनियर की मौजूदगी में ही खुदाई का काम होना चाहिए था, ताकि दीवार ढहने से बच जाता। दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर कैंट शशिभूषण राय ने घायल मजदूर को आनन फानन में जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है और मृत व्यक्ति का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिजवा दिया।
घटनास्थल पर मौजूद पूर्व पार्षद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह महज एक दुर्घटना है। छोटेलाल पासवान यहाँ शिवपुर के रहने वाले हैं, मजदूर का काम कर रहे थे। झारखंडी मंदिर का जो छत है इसका निर्माण किया जा रहा था, पिछले एक महीने से करीब ये इसका विस्तार किया जा रहा था। तो जो पुरानी छत थी उसकी दीवार को ये लोग तोड़ रहे थे और वहाँ एक माता जी का मंदिर था, काली जी का मूर्ति थी, उसके बगल में गड्ढा खोद रहे थे। तब तक वो मूर्ति अपने जिस दीवार में स्थापित थी वो दीवार लेकर के छोटे लाल जी के ऊपर पलट गई और उनका पूरा चेहरा उसमें दब गया। वहीं मौके पर ही तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। कोई घायल भी हुआ? हाँ, एक आदमी घायल हो गया जिसको तुरंत भेजा गया अस्पताल में। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी सी अधूरी जानकारी के साथ निर्माण कार्य शुरू हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं, ये एक दुर्घटना है और उसको चाहे जिस तरह से जोड़ लिया जाए, निर्माण चल रहा था क्योंकि बहुत पुरानी दीवार थी। और किस तरह से वो दीवार बता रहे थे जो मजदूर तत्काल में थे वहाँ कि वो जो पीपल का पेड़ है उससे सटा करके जोड़ा गया था और मजदूरों को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो दीवार पीपल के पेड़ पे टिकी हुई है, बस वहीं से अचानक वो गिर गई। देखिए, एक धार्मिक भावना ये है और तमाम यहाँ झारखंडी मंदिर बहुत बड़े मंदिरों में शुमार हैं हमारे इस क्षेत्र के और बड़े मान्यता प्राप्त मंदिर है। तो यहाँ जो भी धार्मिक लोग हैं उनका ये मानना है कि माता जी की मूर्ति को छुआ गया जिसके नाते इस तरह का घटना हुआ। खुल गया, खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस, स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट, बर्थडे पार्टी हो या फिर इंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्य नगर कॉलोनी के सामने, रानी डीहा सेक्टर रोड, कोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय, कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।